Very good afternoon, everyone. Today we are going to derive the relation for Wien's displacement law, the W. Wien, in the year of 1893, applied the concepts of thermodynamics to the blackbody radiation in constant temperature, and he founded that the wavelength of radiation corresponding to the maximum emissive power of blackbody inversely proportional to the absolute temperature. So what he found, वीन्स ने की चीज़ फाउंड की थी ही अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट ही फाउंडेड दैट रेडिएशन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन का दी मैक्सिमम एमिसिव पावर रेडिएशन दी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी है का दी एब्सोल्यूट टेंपरेचर दी ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हुण आपां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाउण दे लई कोई भी कॉन्सटेंट इंट्रोड्यूस कर दिंदे आ ठीक है दैट मीनस असी लिख सकते हैं This is equal to a constant. ठीक है ये सीगी साढ़े कोल स्टेटमेंट इनू असी की कहने दिस इज़ कॉल्ड वीन्स डिसप्लेसमेंट लॉ वाई दिस इज़ कॉल्ड इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज विद द राइज इन टैंपरेचर डिसप्लेस टू वर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ राइट दैट्स वाई दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जिमें जिमें तुसी टैंपरेचर नू वधाई जाओगे जो साढ़े कोल वेवलेंथ है वो घटती जाएगी ठीक है जी सो एक इवें दा टाइम आउंदा जब तुसीं कहने कि एक पीक शो की करदा वा शिफ्टिंग ऑफ द पीक टू वर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ सो द लॉ कैन बी प्रूव्ड एज फॉलोज सो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रैशन फॉर प्लैंक्स लॉ सो आपां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ आपां कहने एनर्जी वेवलेंथ का इक्वल डी ई लैमडा इंटू डी लैमडा इज इक्वल्स टू एट पाई एच सी डिवाइडेड बाई लैमडा रेज टू पावर फाइव इंटू वन ई रेज टू पावर एच सी डिवाइडेड बाई लैमडा इंटू के टी माइनस वन इंटू डी लैमडा सो अगर असी कहिए ई लैमडा विल बी मैक्सिमम वो मैक्सिमम होएगा कदों इफ सो ई लैमडा कदों मैक्सिमम होएगा जो असी कहने कि लैमडा रेज टू पावर फाइव इंटू ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ माइनस वन जिहड़ा वा वो की होएगा मिनिमम ठीक है जी सो आपां की कहना चाहिए कि एनर्जी वेवलेंथ दी जां रेडिएशन दी मैक्सिमम होंगी है जदों आ सारा फैक्टर अपने को मिनिमम होएगा ठीक है अगर ये मिनिमम होएगा तो मतलब आप डिफरेंशिएट करांगे सो ए की बनेगी फिर डी डी लैमडा यानी कि डी बाय डी लैमडा सारी क्वेश्चन आएगी की सी लैमडा रेज टू पावर दिस एक्सपोनेंशियल फैक्टर एच सी डिवाइडेड बाय लैमडा इन टू के टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हम आप डिफरेंशिएशन करनी है डिफरेंशिएशन करिए पावर अगे लैके आई दी है ठीक है ओके बन गई फाइव एक पावर घट जाएगी फोर एक्सपोनेंशियल फैक्टर सारा एज इट इज़ ठीक है जी होप सो डिफरेंशिएशन पार्ट तुसी कर सकते हो फर्स्ट फंक्शन की हो गया एच सी लैमडा के टी जी डिफरेंशिएशन करांगे एच सी लैमडा स्क्वायर हो जाएगा तो के टी आएगा इज इक्वल टू जीरो हुण जे आपां फरदर सॉल्व करिए तो वह की बनेगा फाइव लैमडा रेस टू पार फोर ई रेस टू पार एच सी डिवाइडेड बाय लैमडा इन टू के टी माइनस वन इज इक्वल टू का इक्वल हो गया लैमडा रेस टू पार फाइव इत है एच सी डिवाइडेड बाय लैमडा स्क्वायर के टी एक्सपोनेंशियल फैक्टर एच सी डिवाइडेड बाय लैमडा इन टू के टी ठीक है जी हूँ असी इस फैक्टर एक्स पुट कर दें सो आप कह सकते हैं लैट एच सी डिवाइडेड बाय लैमडा इन टू के टी इज इक्वल टू एक्स अगर इस फैक्टर एक्स पुट करोगे फिर आ इक्वेशन की बन जाएगी अपने को आप लिख सकते हैं फाइव इंटू सेम फैक्टर इतने है यदा मतलब इनू असी की पुट किया एक्स ये की बन जाएगा ई रेज टू पार एक्स माइनस वन ठीक है सो एक कादे इक्वल हो जाएगा ई रेज टू पार अपने को आ गया फाइव इंटू ई रेज टू पार एक्स माइनस वन
विच इज़ इक्वल टू एक्स इन टू ई रेज टू पावर एक्स, राइट। सो जो मैं इनू फरदर सॉल्व करा वह बनेगा वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स दैट इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय फाइव। दैन तुसी कह सकते हो एज जिमें जिमें असी ई रेज टू पावर माइनस एक्स नू छोटा करी जाने हैं, ठीक है, वन तक, दैट मीनस असी कह सकते हैं वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स भी अप्रोक्सीमेटली वन द इक्वल ही हो जाएगा। जो दोनों फैक्टर वन द इक्वल हो जाएगा ना, मतलब वन का द इक्वल हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय फाइव दे, दैट मीनस तुसी कह सकते हो एक्स का इक्वल हो गया, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए फाइव दे। सो आप कह सकते एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स जो हैगी है न्यूमेरिक वैल्यू लैनी हो 4.9 होंगी है, 4.9 राइंड ऑफ करके असी लिख सकते हैं फाइव। सो आप कह सकते हैं कि एच सी डिवाइडेड बाय लैमडा इंटू के टी विच इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। और यू कैन से दैट कि लैमडा टी इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय के इंटू फाइव विच इज इक्वल्स टू अ कॉन्सटेंट। सो फॉर दिस असी कहने हैं द वेवलेंथ कोरस्पोंडिंग टू पीक वैल्यू ई लैमडा मे बी रिटन एज लैमडा एम। सो ई लैमडा नूं आपां लैमडा एम कह सकते हैं, दैट मीनस असी कह सकते हैं लैमडा एम इंटू टी का दे इक्वल होएगी किसी कॉन्सटेंट दे। यही की सीगी स्टेटमेंट, ठीक है जी। दिस इज वीन्स डिसप्लेसमेंट लॉ। नैक्सट हैगा साढ़े को स्टीफनज़ लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ स्टीफनज़ लॉ ही स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सैकेंड यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर। सो असी कहने एनर्जी अकॉर्डिंग टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ प्लैंक्स कॉन्सटेंट, प्लैंक्स लॉ की इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। सो आप कहना टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल बी, सो कहते आ जाएगी ई इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू इनफिनिटी ई न्यू इंटू डी न्यू। ई न्यू इंटू डी न्यू की ही प्लैंक्स कॉन्सटेंट, वो वैल्यू आप सारी इतने लिखती। हूँ ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर उन्होंने आप पुट करता एक्स, यानी कि असी क्या एच डिवाइडेड बाय न्यू, एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी का इक्वल हो गया एक्स दे। जे फैक्टर एक्स दे इक्वल हो गया ना, मतलब न्यू इतों का इक्वल हो जाएगा, इतों जो मैं वैल्यू क्ढा न्यू की एक्स इंटू के टी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है जी। हूँ यदि कर दो डिफरेंशिएशन, तो मतलब डी न्यू का इक्वल हो गया डी एक्स इंटू के टी डिवाइडेड बाय एच, दैट मीनस इनू आप लिखता इक्वेशन नंबर वन। सो आप कहने आ जो वैल्यू असी कढ़ी है इनू आप पुट कर देने कद एक्स दे, आप कह सकते हैं फिर ई एक्स इज इक्वल टू एच पाई एट डिवाइडेड बाय सी क्यूब। सो इतने अपने को आ जाएगा के टी एच होल रेस टू पावर फोर एंड लिमिट जीरो टू इनफिनिटी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ई एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है जी। सो आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करना, स्टैंडर्ड रिजल्ट सीगा एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स का इक्वल हुंदा पाई रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय फिफ्टीन, इहदा मतलब इहदी जगह ते फिर की आजूगा अपने कोल आ चीज़, इहदा मतलब आ सारी इक्वेशन हुण आप सॉल्व करदे बन गया एट पाई, ठीक है। एच दे नाल एच कैंसल हो जाएगा, एस एच दे नाल आपां एच कैंसल कर दिंदे आ, अपने को बन गया एट पाई के पावर फोर टी रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय सी क्यूब, ठीक है बन गया। सो एक पावर ये कट्टी जाऊगी, इतने बच गया एच क्यूब, वो अपने को आ गया आड़ी कभी इक्वल ही अपने को पाई रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय फिफ्टीन। हूँ जब मैं फरदर सॉल्व करिए असी कह सकते हैं एट एक पाई इतने है, पाई रेज टू पावर फोर इतने बन गया पाई रेज टू पावर फाइव, ठीक है जी। के रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय आ क्यों गया फिफ्टीन सी क्यूब एच क्यूब तो टी रेज टू पावर फोर इतने लिखता। हूँ मैं आ सारे फैक्टर एक कॉन्सटेंट वैल्यू देती, मान के चलो कि दिस फैक्टर इज इक्वल टू कैपिटल ए, और यू कैन से दैट वेयर ए इज इक्वल टू दिस। सो आप लिखता ई इज इक्वल टू एनर्जी की वैल्यू कटते पे ई इज इक्वल टू ए इंटू टी रेज टू पावर फोर, नीचे आप लिखता वेयर ए इज इक्वल टू दिस, तो कि एक कॉन्सटेंट। सो ये इक्वेशन अपन की शो करती है कि टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन हमेशा प्रोपोर्शनल होंगी है फोर्थ पावर ऑफ टेंपरेचर दे। सो दा मतलब रेडिएशन फ्लक्स दे लिए आप कहने ई डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ एनर्जी दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर फोर्थ पावर दे। प्रोपोर्शनैलिटी दा साइन हटाने लई कोई भी कॉन्सटेंट इंट्रोड्यूस कर दो, तो जो कॉन्सटेंट इंट्रोड्यूस करोगे सिग्मा उन्होंने आप कह दें स्टीफनज़
कॉन्सटेंट, ठीक है। तो एक ही हो गया स्टीफनज लॉ। तो जब आप प्रैक्टिकली देखिए तो स्टीफनज लॉ की वैल्यू होंगी है 5.6697 × 10⁻¹⁸ रॉबर्ट्स पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू पावर -4, ठीक है जी। ये सीगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर स्टीफनज लॉ। दे अपना सेकेंड यूनिट कंप्लीट होंगे। थैंक यू।